अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो, ठीक ठाक हो। और आज हमारा दूसरा दिन है और व्लॉग का, और आज लास्ट दिन है, मतलब ग्वादर अप्रोच जीप रैली का, और आज क्लोजिंग सेरेमनी भी है, और मत देखते हैं कौन विनर हो जाता है ग्वादर अप्रोच जीप रैली में। आज अभी हम लोग आए, हम आप लोगों को दिखाएंगे, अभी फिनिशिंग पॉइंट पर हम लोग मौजूद हैं, और कौन सी गाड़ी आते हैं मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा। और हमारे साथ रहो और आखिर तक हमारा व्लॉग देखो और एंजॉय करो और सब्सक्राइब करो। आ रहे जी मेरे ईरान का गाड़ी है, ये आ गया ईरान का गाड़ी, ईरान का गाड़ी आ गया, अभी पहुंच गया। जिम्मी आ रहे, जिम्मी रखवा। ये मेरी फिफ्थ ग्वादर रैली है, 2016 में जो पहली हुई थी उस पर भी मैं आया था और हमारी टीम आई थी, और अब जो 2023 में हुई है इसमें भी हम आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की 5 गाड़ियाँ जो कम्पीट कर रही हैं, और अभी मुझे लगता है कि बी प्रिपेयर की 2 पोजीशंस तो हमने ले ली हैं, अभी बाकी गाड़ियाँ फिनिश करेंगी तो पता लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर का ट्रैक बहुत अच्छा है, बड़ा यूनिक ट्रैक है, हर किस्म का टेरेन इसमें मिलता है, आप समंदर के पास भी जाते हैं, तो मुझे
मुझे लगता है कि ये रैली और ये टेरेन इतना ज़बरदस्त है कि इसको और भी हम आगे लेकर जा सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल इवेंट ऑलरेडी है, ये और भी बड़ा इवेंट हो सकता है। जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया गया GDA की तरफ से, पाक फौज की तरफ से, तो ज़बरदस्त है। नहीं, ग्वादर का मौसम कौन सी साल में आपको चला है इस तरह? इस साल तो बहुत गर्म मौसम है। आई थिंक जब हम पिछली दफ़ा आए थे कुछ बेहतर था, इस साल थोड़ा ज़्यादा गर्म। ठीक है सर, मेरे पास थैंक यू सर। सेकंड से अगर पहले आ जाता तो इसका पोजीशन हो जाता तीसरे नंबर पे। दो सेकंड पे अभी लेट हो गया, सेकंड का फर्क है समझो रेस का, और अभी छोटे नंबर पे आ गया इसका पोजीशन। मैंने आज आप लोगों को लास्ट दिन का मतलब वाटर ऑपरोर जीप रैली का ट्रैक मतलब सारे व्यू दिखा दिया, और अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कौन जीता है। अभी तक वो मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम और चेक कर रहे हैं कौन किसका नंबर मतलब किसका मतलब टाइमिंग कम है वही विनर हो जाएगा, और अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ। और मैं अपना व्लॉग इधर से एंड कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाजम सब्सक्राइब करो, और अगले दिन अगले जगह पे मिलेंगे। और अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।